और आपको मेले का कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मेला है और क्या क्या हुजूर साहब मेरे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के इस मेले में आपको देखने को मिलेगा। माहौल क्या है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है और वो ऊपर जो है आपकी बारगाह जो है वो बनी हुई है। तो बच्चों से रिलेटेड जो है तो वो तमाम सामान जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए वो तमाम सामान जो है तरह तरह के यहाँ लगे हुए हैं और उन पर ये रेट भी है और तमाम मुनासिब डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। कम अज़ मेरी गेट के पास हैं, आप देख सकते हैं कि कितना आला और बुलंद बना हुआ है ये गेट। और भाई अंदर आने के लिए 10 रुपये का टिकट लग रहा है, उसके बाद आप इस झूले के जोन में एंटर कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ झूलों का जो किराया होगा वो आपको पे करना होगा। और ये बेहतरीन झूला लगा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप आए हमारे चैनल स्टूडियो ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो इस वक्त हम 755 हुए उस सहसाबरी में शिरकत कर रहे हैं हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये उर्स 11 12 13 और 14 रबीउ अव्वल को मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें अहले हिंद के तमाम ज़ायरीन जो है वो आपके उर्स में शिरकत के सबक तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस वक्त हम साबिर पाक के उस मेले के अंदर हैं और आपको मेले का कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मेला है और क्या क्या हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इस मेले में आपको देखने को मिलेगा। हर गली कूचों में जो है इसी तरह की एक भीड़ बरपा है और हर तरफ तमाम मुसाफिर खाने बने हुए हैं, वहाँ पर भी तमाम जो ज़ायरीन हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम मेले के उस मार्केट में हैं जहाँ तमाम तरह की दुकानें वगैरह जो है वो तमाम लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ वो तमाम दुकानें जो है मेले में सजी हुई हैं, तमाम लोग जो हैं वो खरीदो फरोख्त के सबब यहाँ पर हैं और काफ़ी खासा बड़ा मार्केट है। ये जो मार्केट है ये ऐसा लगता है कि ये यहाँ का प्रॉपर मार्केट है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी नई लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं तो कई किलोमीटर के दायरे में इस तरह का जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। दुकानें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं खाने पीने वाला ख़रीदो फरोख्त की वो तमाम दुकानें यहाँ पर हर तरफ लगी हुई हैं बेहतरीन। और ये रास्ता भी जो है वो दरगाह की तरफ जाता है, इस साइड दरगाह है तो दरगाह की तरफ जाता है। ये तमाम इधर बड़ा मार्केट और यहाँ पर ये एलसीडी लगी हुई है और उधर से जो है वो ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस है वो आ रहा है। और ये तमाम देखिए हर तरफ जो है वो जुलूस की धूम है और हर कोने से जो है वो इस तरफ से भी कुछ जुलूस डीजे आ रहे हैं, उस तरफ से भी उस जुलूस के जो डीजे है वो इस तरफ आओ चढ़ाए पर आ रहे हैं। तो चलिए चल करके थोड़ा हम भी देखते हैं जुलूस का क्या माहौल है इस वक्त कलियर में। और हुजूर सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 755वां उर्स जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 11 12 13 और 14 रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा, जिसमें उसके तमाम अहकामात अदा किए जाएंगे और हिंदुस्तान के तमाम कोनों से जो ज़ायरीन हैं वो आपके उर्स में शिरकत के सबब तशरीफ़ लाते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। तो ये जुलूस मोहम्मदी का कुछ नज़ारा है जो आप यहाँ देख सकते हैं। और जुलूस जो है वो अपने उरूज पर है, तमाम लोग जो है जरूर शिरकत करके आका की विलादत को मनाते हुए झूम रहे हैं। हम बुलंद गेट की तरफ जा रहे हैं, उस साइड भी ये तमाम मार्केट जो है वो लगी हुई हैं और इधर का भी व्यू हम दिखाएंगे। साबिर कलियर ये साबिर पाक के जो आस्थाना है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो आपका बुलंद गेट है उस साइड पर ये तमाम मार्केट जो है लगा हुआ है। खरीदो फरोख्त के तमाम सामान जो है
वो आपको साबिर पाक के इस मेले में देखने को मिलेंगे। और जिस जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे आपको तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करके दिखाते जाएंगे कि किस तरह का माहौल है और क्या क्या चीज़ें जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। और ये तमाम वो मेले का जोन है जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। बिल्कुल तमाम जो है ये सुहाना लोहा जो आपको हर मेले में ख़ास तौर पर देखने को मिलेगा, जो भी बड़े बड़े मेले लगते हैं तो वो उन तमाम मेलों में लोगों पहली पसंद होता है ये हलवा। और यूपी के अंदर भी तमाम दरगाहों पर आपको ये जो हलवा है वो देखने को मिल जाएगा। और इस वक्त हम हुज़ूर सैयदना साबिर पाक कलीरे रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 755वें उर्स में शिरकत कर रहे हैं। और आपका जो ये उर्स मुबारक है वो 11, 12 और 13, 14 रबीउल अव्वल को किया जा रहा है। इसमें अहले हिंद से तमाम ज़ायरीन जो है अपने उर्स में शिरकत करके फ़ायदा हासिल करते हैं। तो अभी करीब आने पर हमें पता चला कि इस गेट का नाम अजमेरी गेट है और बेहतरीन माशाल्लाह है गेट ये। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है और बहुत ही आला और बुलंद बना हुआ है और बिल्कुल इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। देखिए माशाल्लाह कि कितना खूबसूरत है। हम अजमेरी गेट के पास हैं, आप देख सकते हैं कि कितना आला और बुलंद बना हुआ है ये गेट और माशाल्लाह खूबसूरती में चार चांद लगाता हुआ है ये गेट। और इसी गेट के पीछे जो है वो तमाम मेला जो है लगा हुआ है। अभी हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी हम इसके करीब हैं और कितना बुलंद ये गेट बना हुआ है। अंदाजा लगाए तो तकरीबन 60 फुट की ऊंचाई होगी इस गेट की। बेहतरीन खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं खूबसूरत अजमेरी गेट के हुजूर साहब के पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थान से कुछ दूरी पर बना हुआ है। अजमेरी गेट के पीछे जो मेला लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का मेला लगा हुआ है और क्या व्यू है इस तरफ। गेट के इस तरफ देखेंगे तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन गेट के अपोजिट साइड जब आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कितनी कसीर तादाद में जो ज़ायरीन है वो हर तरफ मौजूद है। और किड्स जोन भी जो है वो इसी साइड बनाया गया है और तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस साइड देखने को मिलेंगी। और बच्चों से रिलेटेड जो है यहाँ पर लगी हुआ है ये मिक्की माउस के झूले जो है बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं मेले के दूसरे साइड भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि और भी मेले में क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या मौजूद है। और इस साइड में देखिए दूर दूर तक जो है तमाम दुकानें लगी हुई हैं। तो गेट के बैक साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैक साइड का व्यू है। इस साइड पर जो है हज़रत इमाम साहब की जो है वो दरगाह मौजूद है, वहाँ पर भी तमाम लोग जो है जिस वक्त तशरीफ़ ले जाते हैं। और ये मेला जो है वहीं पर जाके इख्तिताम होता है, वहीं पर जाकर इसका ख़ात्मा होता है। और ये रास्ता वहीं पर गया है और ये तमाम दुकानें जो हैं इस साइड भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल है वहाँ पर। तो पूरे कलियर के अंदर इस तरह ईद का माहौल है और हर तरफ तमाम दुकानें खाने पीने की और ख़रीदो फरोख की वो तमाम दुकानें जो हैं वो हर तरफ आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह की एक भीड़ जो है वो भी आपको हर तरफ देखने को मिलेगी और तमाम तरह की टोपियाँ वगैरह भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आगे जो है वो इमाम साहब की बारगाह है और वहीं पर है ये तमाम दुकानें जो लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और तमाम सामान जो आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं ये लकड़ी के वो तमाम सामान जो है आपको मिलेंगे। हर जगह इस तरह की
तमाम दुकानें जो है वो लगी हुई हैं, तमाम सामान जो है तरह तरह के यहाँ लगे हुए हैं और उन पर ये रेट भी है और तमाम मुनासिब डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप ख़रीदते हैं। तमाम सामान जो है बेहतरीन सामान है, आप देखेंगे तो आपका दिल होगा कि मैं इसे ख़रीद लूँ। बेहतरीन सामान है, देखिए बेहतरीन तरह तरह की तमाम घड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो बच्चों से रिलेटेड जो है तो वो तमाम सामान जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए बेहतरीन खिलौने से सजी है दुकान और बच्चों के लिए तरह तरह के तमाम खिलौने जो है वो इस दुकान पर मौजूद हैं। छोटा बड़ा वो तमाम खिलौना जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन खिलौनों से सजी ये दुकान बिल्कुल देख सकते हैं। 150 रुपये में जो है वो तमाम लेडीज़ बैग जो है वो वहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तमाम लेडीज़ बैग तरह तरह के, लेडीज़ और जींस और जिम बैग तमाम वो जो है 150 रुपये में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और आगे ही इमाम साहब की दरगाह है, उसको भी हम दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या माहौल है। आने वाले तमाम ज़ायरीनों के लिए यहाँ पर खादिम साहब लोगों की खिदमत करते हुए और उन्हें पानी पिलाते हुए, क्योंकि तमाम बहुत गर्मी है इस वक्त और लोग दूर दूर से सफ़र कर यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं खुद ही तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र करके जो है दरगाह से यहाँ तक आया हूँ और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर लोगों को पानी देते हुए। तो ये हम इमाम साहब की बारगाह के करीब हैं और माहौल क्या है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है और वो ऊपर जो है आपकी बारगाह जो है वो बनी हुई है। तमाम लोग जो है अकीकत सबक तशरीफ ले जा रहे हैं। तो अभी हम इस साइड से जो है वो मेला देख करके आए हैं और इस साइड भी नहीं गए हैं और इस साइड भी मेला लगा हुआ है। इस तरह से हम निकल रहे हैं तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती हैं लेकिन जो तमाम सामान है वो यहाँ थोड़ा सा महंगा है और इस साइड भी जो है वो मेला लगा हुआ है। तो अभी इस साइड भी हम दिखाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा है, सुबह जब आए थे तो यहाँ कोहरा गिर रहा था लेकिन अभी इतने टाइम धूप इतनी ज़्यादा है कि मोबाइल बार बार हीट कर जा रहा है जिससे कि वीडियो बना पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस जोन में भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस तरफ किस तरह का माहौल है। तो हुजूर साहब के पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मेले का स्पेस है वो बहुत बड़ा है, इसी के लिए जब आप जिस तरफ भी देखेंगे तो आपको ज़ायरीन ही ज़ायरीन नज़र आएंगे। उसके बाद इसका एक दायरा जो है वो एक जगह सीमित नहीं है, सीमित दायरा है जिसकी वजह से आप हर कोने में हर जगह पर ज़ायरीन ही ज़ायरीन नज़र आएंगे। और यहाँ से लेकर इमाम साहब की दरगाह तक जो ज़ायरीन है वो बटे हैं जिसके लिए एक जगह नहीं मौजूद हो पाते हैं, तो उसी के लिए आपको ये तमाम मेला जो है बहुत बड़ा लगता है। दिखाऊं तो मेले में तमाम सामान है जो लगी हुई हैं और बेहतरीन नाइट व्यू इस वक्त होता हुआ साबिर पाक के इस मेले का। भाई अंदर आने के लिए 10 रुपये का टिकट लग रहा है, उसके बाद आप इस झूले के जोन में एंटर कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ झूलों का जो किराया होगा वो आपको पे करना होगा। और तमाम तरह के झूले वगैरह जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और ये रेल राइड है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। 100 रुपये की टिकट है भैया? 70 रुपये की। तो ये रेल राइड का जो टिकट है वो 70 रुपये का है और अभी मैं नागपुर गया था वहाँ से तो सस्ता है, वहाँ 100 रुपये से नीचे किसी का टिकट नहीं था। तो यहाँ रेड लाइट का जो है वो 70 रुपये का है और ये बेहतरीन झूला लगा हुआ है और ये जो है नाव का झूला, पर वो सामने वहाँ पर डेंजर वो तमाम झूले जो है यहाँ पर हर तरफ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहीं पर ये तमाम झूले लगे हुए हैं। इस जोन में इंटर करने के लिए ही आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं और उसके बाद आप ये तमाम झूलों की राइड लेते हैं।
तो उसके लिए आपको अलग से जो है वो टिकट लेनी होगी। और ये अलग से बेहतरीन डेकोरेट किया है और अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन इसके अंदर आने के लिए भी आपको 10 रुपये देने होंगे। यहाँ पर भी नाव का और इस बड़े वाले झूले का टिकट मैंने पता किया है, तो दोनों का ही टिकट 100 रुपये का है और नागपुर में भी 100 रुपये का था। हालांकि हमारे यूपी में इन झूलों का टिकट जो है वो थोड़ा सस्ता है, और ख़ासतौर पर मकनपुर में जो है वहाँ कुछ ज़्यादा ही सस्ता है। और यहाँ सिर्फ जो है वो 2 झूले लगे हुए हैं, एक ये बड़ा झूला जो यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बाद एक ये झूला यहाँ पर लगा हुआ है, तो सीमित झूले हैं वो लगे हुए हैं। जैसा कि हमने मकनपुर में देखा और देवे में देखा, 3 से 4, 4, 5, 5 वो तमाम झूले होते हैं और तमाम लोग जो है वो अपना अपना वो लेकर आते हैं। और ये डिस्को डांस, और इसमें इनका यही फ़ायदा हो जाता है कि लोग जब अंदर आएंगे तो 10 रुपये कम से कम वो पे करेंगे, और उसके बाद अगर झूला झूलते हैं तो उसका उन्हें अलग से पे करना होगा। तो मनोरंजन के वो तमाम साधन जो है वो यहाँ इस सर्कस में मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन नज़ारा इस वक्त कलियर के इस उर्स में हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो ये उर्स है, 755वां उर्स आपका मुनक्किद किया जा रहा है। दुनिया के तमाम गोशों से ज़ायरीन हैं वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। 3 से 4 दिनों तक जो है ये उर्स और मेला चलेगा। अभी आज आपके कुल की रस्म होगी, कल गुसल की रस्म की अदायगी की जाएगी, उसके बाद इसका इख्तिताम होगा। लेकिन हर गली कूचे में ज़ायरीनों का एक हजूम है। ये तमाम राइडिंग यहाँ पर लगी हुई हैं, तो जो आपको पसंद आए आपके पैसों के हिसाब से वो आप उस राइड को ले सकते हैं। तो इस वक्त हम जो है पीछे के रास्ते से दरवाजे अंदर आ गए, कुछ भी देखा ऐसे है। इस वक्त हम यार तसर्रुफ हासिल कर रहे हैं हजरत शेख सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिरिया कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्ताने की। हजूर सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिरिया कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इस वक्त 755वां उर्स जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 11, 12, 13 और 14 रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा, जिसमें अहले हिंद के तमाम ज़ायरीन जो है वो आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। 12 रबीउल अव्वल को बड़ी रोशनी और 13 रबीउल अव्वल को कुल शरीफ और 14 रबीउल अव्वल को गुस्ल शरीफ की रस्म जो है वो आपके आस्ताने पर अदा की जाएगी। और कसीर तादाद में जो ज़ायरीनों का एक हजूम है वो आपके आस्ताने पर मौजूद है। हर तरफ मैं दिखाऊँ तो ज़ायरीन ही ज़ायरीन मौजूद है।